हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो हम निकल चुके हैं कहाँ, करनाल के लिए। और ये जो वीडियो है इसमें आप देखने जा रहे हो, ये देख सकते हो, अब ये सोसाइटी से हम बाहर निकल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अ ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू करनाल इन जस्ट 2 आवर्स। हम किस तरह से वहाँ पहुँचते हैं और हम कहाँ कहाँ रास्ते में रुकते हैं आप इस व्लॉग में देखने जा रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हमें पता, निकलना तो सुबह था बट ड्यू टू सम वर्क और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, इसलिए हम सुबह नहीं निकल पाए। मैं सुबह 4 बजे उठी थी, मेरी शक्ल से देख सकते हो, ठीक है, बट हम सुबह नहीं निकल पाए किसी काम की वजह से। तो बट अब हम निकल रहे हैं, तो अभी बजे हैं शाम के 4 और हम वहाँ पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट 6 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो ये मेरे हस्बैंड हैं, आप देख सकते हैं, पहले किसी ब्लॉग में मैंने नहीं दिखाया था। तो ये बहुत खड़ूस आदमी है, ये देख सकते हो, इतना सा लोगों को बना के रखते हैं, देख सकते हो इनका मुंह। तो कमेंट करें किस किस के हस्बैंड जो है इतने सड़े हुए हैं और इतना सड़ा हुआ मुंह बनाते हैं, मतलब इनको तो ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि हाँ मैं अपनी वीडियोस बनाऊं और वीडियोस में मतलब इतना टाइम वेस्ट करूं। बट ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूं। और तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं बाईपास की तरफ। और जो आज वेदर है वो एज़ कम्पेयर टू अदर डेज थोड़ा सा गर्मी है मौसम में। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अब गर्मी आएगी तो वैसा ही मौसम रहेगा। तो अब क्योंकि ना ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ आप देख सकते हो दिल्ली में अभी ट्रैफिक इतना नहीं दिख रहा। अदरवाइज इसी सड़क पर ना, अगर आप इवनिंग में या फिर आप ऑफिस टाइम में आप निकलते हो ना, तो आपको यहाँ से निकल नहीं सकते, इतना रश होता है। तो देख सकते हैं अब हम कहाँ पर हैं, ये है बाईपास और बाईपास का ये मेट्रो स्टेशन है। ओके, एंड अभी आप देख, पंजाब और चंडीगढ़ सबकी बस यही मिलती है, हिमाचल भी जाना है तो बस यहीं से मिलेगी आपको। तो ये वही रोड है जो लेकर जाएगी आपको कहाँ, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। अभी ना हम बहुत जाम में फंस गए थे, तो अब हम थोड़ा सा वहाँ से निकले हैं और अब हम चल रहे हैं पानीपत की तरफ। अब थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला है कि गाड़ी चल रही है, अदरवाइज तो गाड़ी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चल ही नहीं रही। और ये पहुंच गए हम कहाँ, गुड़थल, जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पे लोग स्पेशल पराठे खाने या सुबह सुबह आते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, इंजॉय, इवनिंग में भी आते हैं। तो आप देख सकते हो ये है अमरीक सुखदेव का ढाबा, जो कि बहुत ही फेमस है। और ये साथ में है गरम धर्म, और ये इसको भी आज काफ़ी भीड़ है गरम धर्म पर ही। और ये है बीकानेर, यहाँ पर, और पता है यहाँ पे ना बहुत सारे नए रेस्टोरेंट, अच्छा हाँ हरवेली भी आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे ना बहुत सारे नए नए रेस्टोरेंट स्टार्ट होने थे, बिकॉज ये बीच में जो कोरोना आ गया ना, इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो बीच में ही रह गए हैं, तो इस वजह से इतने स्टार्ट नहीं हुए। आज मैं थोड़ा ना इतनी अच्छी नहीं लग रही है ना, क्योंकि ना मतलब एकदम से हमारा प्लान बन गया और कोई प्लान था नहीं, तो फिर एकदम से प्लान बना तो वो पैकिंग जो थी ना उसकी वजह से मैं इतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाई, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, हमारा प्लान था मॉर्निंग में ही निकलने का था, बट क्या हुआ कि आपको पता ही है आजकल लाइफ में मियां बीवी की, हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक चलती रहती है, तो इस वजह से हम नहीं निकल पाए। मतलब मुझे ही ब्लेम, वाह नहीं मैंने ये बोला है हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक, मैंने आपका नहीं बोला कि बीवी ही हमेशा करती है, तो हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक चलती रहती है। तो आप भी मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि गलती हमेशा वाइफ की होती है या हस्बैंड की भी गलती हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हस्बैंड की होती है, मैं मान रहा हूँ इस चीज, बिल्कुल हस्बैंड की होती है, कोई बात ही नहीं है। अब मतलब ये कोई तरीका नहीं होता ना कि हाँ बोलो कि हाँ नहीं हस्बैंड की गलती होती है, क्यों होती है, क्या रीजन, क्या है, हमेशा गलती ही हस्बैंड की होगी, वाइफ की हो ही नहीं सकती, कोई बात नहीं। सो बैक टू द पॉइंट, हमने छोड़ दी लड़ाई करनी कि ठीक है कोई बात नहीं, यूट्यूब पर हमने क्या दिखाना है कि हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अभी टाइम को और पहुंचने वाले हैं, वेट कर रहे हैं कब तक हम वहां पर पहुंचेंगे, और दिखाएंगे आपको भी करनाल शहर कैसा है। बहुत सुंदर बन चुका है पहले से, पहले इतना अच्छा नहीं होता था, है ना, पहले भी अच्छा था और उससे बेटर होगा। हाँ हाँ, अपना शहर तो सबसे अच्छा लगता है ना, बिल्कुल। अच्छा
में बेसिकली क्या है कि एक तो एनडी आ रही है जो वहाँ का सबसे बड़ा फूल प्लांट है, घी है और काफ़ी बड़ा कैंपस है, वहाँ पे लोग घूमने फिरने भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे खाने पीने की दो चार चीज़ें हैं जो बहुत फेमस है। एक तो वहाँ पे सरदार जी हैं छोले भटूरे वाले, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो हर बच्चा बच्चा बता देगा कि यहाँ छोले भटूरे की कौन सी फेमस है। कढ़ी चावल वहाँ पे दो किसान ने एक चौक है वहाँ पे कढ़ी चावल बहुत फेमस है, अगर आप खाने के शौकीन हैं करनाल जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें। और शाम को आपको गंडागढ़ चौक में हॉट डॉग मिलेगा वो भी बहुत फेमस है, वहाँ पे भीड़ है और टाइम लेके जाइए 15 से 20 मिनट लगेंगे। और वहाँ पे घूमने फिरने के लिए एक अटल पार्क भी है, बहुत बड़ा पार्क है जिसके अंदर पाकिस्तानी ग्रीनरी है और आपको देख के मजा आएगा, ये सारी चीज़ें फेमस है। ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने वैसे मुझे तो आज तक नहीं दिखाया ये सब चीज़ें कि इतनी फेमस चीज़ें हैं, और अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर दिखाएंगे आपको कि करनाल में जो जो चीज़ें जो भी बताया इन्होंने कि ये फेमस है, तो वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। अच्छा आप लोगों को अगर इंजॉय कर रहे हो मेरे साथ, मेरी ट्रिप को इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पता है मुझे ना मतलब मैं काफ़ी सोशल थी, मैं शुरू से ही बहुत सोशल हूँ, तो मैं पहले वीडियोस बनाती थी तो स्टेटस पर डालती थी, बट अब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी वीडियोस बनाकर मैं एक यूट्यूब पर ही डाल दूँ, और ताकि एक मेमोरीज बनी रहें, और बाद में जैसे अगर समटाइम क्या होता है ना कि फ़ोन की मेमोरीज फुल हो जाती हैं तो हमें डिलीट करनी पड़ती है, तो आई थिंक यूट्यूब इज़ अ गुड सोर्स जहाँ पर हम अपनी फोटोज मेमोरीज वीडियोज़ बना बना कर डाल सकते हैं। आप भी एक बार आज जैन मंदिर है जो कि बहुत फेमस है, जो कि गुप्तधाम है और बहुत ही फेमस है, लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर से और बहुत फेमस है, तो कभी आप इस साइड आओ तो जरूर यहाँ पर आना। ये देख सकते हैं आप कि अभी आया है क्या चौकी थानी एक्चुअली मैं ना लड़ने में बिजी थी तो मैं दिखा ही नहीं पाई आपको कि हाँ पीछे था चौकी थानी। आपको यहाँ पे मिल सकती है बेडशीट, कर्टेन, ब्लैंकेट्स, बहुत सारे जो हैं
दिल्ली के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ से सप्लाई होती हैं, तो कल कोशिश करेंगे, टाइम निकालेंगे, जाएंगे जो आप भी मज़ा लीजिएगा उसी मार्केट का, और आइएगा कभी हमारे। तो पानीपत की लड़कियों की इतनी जो तारीफ हुई है, मतलब कुछ ऐसा क्या खास है, मुझे भी तो पता चले और मेरे व्यूअर्स को भी पता चले, मतलब ऐसा कि पानीपत की लड़कियों में ही ऐसा क्या खास है? ऐसा कुछ खास नहीं है, वो तो मेरे पास जस्ट एक जॉक का पार्ट करके आपको थोड़ा सा मैंने कहा देखो क्या रिएक्शन आएगा आपको, और डेफिनेटली रिएक्शन भी आया जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था। तो ये है पानीपत का टोल टैक्स, आप देख सकते हैं, और हमें यहाँ फिर से टोल देना पड़ेगा, और ये अराउंड 35। तो यहाँ से अगर आपको निकलना है तो आपको 35 रुपीज़ यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब हम लोग पहुंचे हैं गरोडा, और यहाँ पर है स्पेशल चीज़ कि यहाँ पर है लिबर्टी का शोरूम, और इस लिबर्टी के शोरूम में आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर आप फुटवेयर्स ले सकते हो, इवन आप मतलब टॉयज और या फिर स्कूल बैग्स एंड बेल्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर एक रीजनेबल रेट पर आपको मिलेगी। तो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे ना, जैसे कि हस्बैंड बता रहे हैं कि फैक्ट्री आउटलेट है, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग जाते हैं, जाते वक्त रुकते हैं और यहाँ से स्पेशली शॉपिंग करते हैं। तो ये है वो लिबर्टी का शोरूम जहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस में सब कुछ मिलने के, मतलब तो अगर आपको कोई भी फुटवेयर्स लेने हैं जो कि मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर क्या होता है, डिस्काउंट होता है 50% 70% डिस्काउंट होता है, तो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में एक अच्छे। फाइनली हम लोग करनाल पहुँच ही गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है नीलकंठ का ढाबा जो कि पहले दूसरी साइड हुआ करता था, अब इस साइड भी आ गया है, और बहुत ही भीड़ है यहाँ पर क्योंकि वैलेंटाइन डे है कल, और मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो आज ही बाहर। तो आपने देखा नीलकंठ के ढाबे में बहुत भीड़ थी क्योंकि कल सबको पता है कि एक तो वैलेंटाइन डे है और साथ में मंडे भी है, तो बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनका फास्ट है तो वो आज ही सेलिब्रेट करेंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि संडे को सबकी छुट्टी होती है, तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि संडे को इन्जॉय कर लें, और मंडे को सबका वर्किंग है, तो इसलिए मुझे जो लगता है ऐसा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने यहाँ पे एक बारबेक्यू नेशन है वहाँ पर भी हमने कॉल किया, तो वहाँ पर भी सारी सीट्स फुल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नीलकंठ है वो करनाल में बहुत फेमस है, काफ़ी फेमस और पुराना रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत लोग जाते हैं। तो ये जो है ये बकेपुल का मंदिर है यहाँ पर, और ये भी काफ़ी फेमस है और पुराना है, और इसके इस साइड पर जो है वो मधुबन, आप देख सकते हैं कि मधुबन जो है वो पुलिस लाइन है, वो बहुत बड़ी है, पूरे ऑल जो हरियाणा है वहीं पर सारे पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है मधुबन में। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको नीलकंठ के बारे में, जो नीलकंठ है वो काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और जहाँ पर खाना डिलीशियस है बहुत ही ज़्यादा, और करनाल में काफ़ी फेमस है ये। सो आप अपनी फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप फास्ट फूड और ये आप नॉर्थ इंडियन फूड, किसी भी तरह का फूड आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी रीजनेबल रेट पर आपको वहाँ पर फूड अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, करनाल की ना एक और खास बात है कि मोस्ट ऑफ जो शोरूम है ऑटोमोबाइल कंपनीज, लाइक ऑडी का शोरूम आप कह सकते हो या बीएमडब्ल्यू का शोरूम, यहाँ पर आपको सभी शोरूम मिलेंगे, और जबकि दूर दूर तक यहाँ पर इतने कोई शोरूम नहीं है। जैसे कुरुक्षेत्र अगर मैं बात करूँ या पानीपत बात करूँ, तो जो लोग हैं अम्बाला से लेकर चंडीगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो जो लोग करनाल के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ करनाल में ही आते हैं अपनी कार परचेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको सही रेट में अवेलेबल हो जाती है कार। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ साइड में जो है सारे ही शोरूम आपको मिलेंगे, जैसे रेनॉल्ट का शोरूम हो गया, यहाँ पर फोर्स हो गया, सो इसी तरह से आगे नेक्स्ट जो आपको दिखेगा यहाँ पर फोर्ड है। तो ये सारे जो है सारी कार के शोरूम है जहाँ से आप कार परचेज कर सकते हैं। हम लोग चले थे, जब हम दिल्ली से चले थे तो 4 बजे थे, और अब हो रहा है टाइम अप्रॉक्सीमेट 6 o'clock, तो हम लोगों को लग गए हैं 2 hours टू रीच करनाल। हमने कुछ रास्ते में नहीं खाया, ना हम कहीं रुके हैं, और हम लोगों अपने साथ में फ्रूट्स लेकर आए थे और हमने फ्रूट्स खाया। आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड भी नहीं, तो ये जो
जो नीलकंठ है ये दूसरी साइड आपको पड़ता है, लाइक इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली तो नीलकंठ इज ऑन बोथ साइड, लाइक दिस वन इज ऑफ राइट साइड एंड जो मैंने अभी पहले दिखाया था वो लेफ्ट साइड था. तो दोनों तरफ ही आपको नीलकंठ मिलेगा क्योंकि ये बहुत पुराना है और काफी चलता है, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर आते हैं. तो आपका अगर करनाल जो है सेक्टर 6 में है और मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ वहाँ रहते हैं.